हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडाइसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि सॉल्विंग द इक्वेशंस है। हमने 4 क्वेश्चंस लिख रखा है और एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 to the power 2x plus 2 equals to 2 to the power 3x minus 1। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन, 2 to the power 2x plus 2 is equal to 2 to the power 3x minus 1। ध्यान से देखिए, इक्वल टू है और बेस क्या है, इक्वल है। तो यहां पे हम पावर इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। पावर लेफ्ट हैंड साइड में पावर कितना है, 2x plus 2 है। राइट हैंड साइड में पावर कितना है, 3x minus 1 है। ये देखिए पावर है, 2x plus 2 3x minus 1। पावर हम लोग इक्वेट कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि बेस इक्वल है, बेस में इक्वल टू साइन भी है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए, सॉल्व करते समय ध्यान देना है, कॉमन एरर प्राय बच्चों से हो जाती है। वो क्या करते हैं, 2x plus 2 को भी ऐड कर देते हैं, यहाँ भी माइनस कर देते हैं। देखिए, ऐड करते समय, माइनस करते समय आपको ये ध्यान देना है, जब भी आप ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, तो लाइक टर्म को करेंगे। जैसे एक्स कंटेनिंग टर्म अगर है तो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इस 2 में एक्स है ही नहीं, यहाँ 1 क्या है, विदाउट एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिमिलर टर्म को एक साइड करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो -1 को मैं ला रहा हूं लेफ्ट साइड में, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये देखिए 2x को मैं राइट हैंड साइड लाऊंगा तो ये -2x हो जाएगा। तो अब देखिए यहां 3 और ये x, इस तरीके से x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ये आपका आंसर हो गया, दिस इज आंसर। इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। सेकंड किया जाए, देखिए सेकेंड में देखिए क्या दिया हुआ है, 3 to the power 2x plus 1 is equal to 9 raised to power 2x minus 1। देखिए, क्वेश्चंस कॉपी करते समय ध्यान देना है, क्वेश्चन उतारते समय कुछ गड़बड़ी ना हो। यहां देखिए बेस कितना है, 3 है, यहां बेस कितना है, 9 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस को इक्वल करेंगे। तो देखिए 9 कैन बी रिटेन एज 3 to the power 2। 3 to the power 2 हम लोग 9 के लिए लिख रहे हैं, और होल पावर कितना है, 2x माइनस 1 है। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड आपका 3 रेज पावर 2x प्लस 1 है। देखिए पावर के ऊपर पावर, वैसे हम लोग जानते हैं कि अगर a का पावर m अगर है और होल पावर m है तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए 2 पावर है और उसके ऊपर ही पावर कितना है, 2x माइनस 1 है, तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेस तो उतना ही रहेगा। तो देखिए 2 into 2x, तो ये हो जाएगा आपका 4x, 2 into -1 तो हो जाएगा -2। और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आप कॉपी कर लीजिए। अब यहां पे देखिए बीच में इक्वल टू है, बेस 3 है, तो एक ऑन इक्वेटिंग द पावर, पावर को इक्वेट कर दीजिए। तो देखिए 2x प्लस 1 और यहां देखिए राइट हैंड साइड में 4x माइनस 2। यहां भी देखिए, ये दोनों को ऐड मत करिएगा, गलती मत करिएगा, ये लाइक नहीं है, 2x और 1 के साथ x नहीं है, यहां भी माइनस मत कर दीजिएगा, प्राय कॉमन एरर होती है। तो आप क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, माइनस 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए और राइट हैंड साइड में इस 2x को ले जाइए, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3 और ये हो जाएगा आपको 2x। तो यहां से x की वैल्यू 3/2 हो जाएगी और यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। उसी टाइप से और भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए यहाँ पे मैं करता हूँ, मेरे पास स्पेस है, इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड कितना है, 49 है, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 49 को हमने लिख दिया 7 का पावर 2, और पहले से 7 का पावर x है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। 343 कैन बी रिटन एज 7 रेज पावर 3, तो 7 रेज पावर 3 हमने लिखा किसके लिए, 343 के लिए। होल पावर कितना है, होल पावर है आपका 2x-5 है, पावर के ऊपर पावर, तो पावर में मल्टीप्लाई 3 × 2x-5 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 6x-15 आ जाएगा, 3 से इंटू कर देना है 2x-5 में। अब यहां पे देखिए बेस सेम है, तो आप पावर जोड़ दीजिए, कैसे, देखिए a^m × a^n, बेस सेम है तो पावर आपका ऐड हो जाएगा, तो बेस यहां 7 है, 2 और ये x, इट मींस दिस कैन बी रिटेन एज 7 रेज पावर 2 + x। यहां भी देखिए बेस क्या है, सेम है, बीच में इक्वल टू लगा है, तो पावर इक्वेट कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा, 2 + x = 7x-15 मिल जाएगा। यहां भी देखिए वही सेम मिस्टेक मत करिएगा, 2 और x जोड़िएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, x को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लीजिए और -15 को लेफ्ट हैंड साइड, ये नेगेटिव है, इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 + 15 और 6x-x, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा आपको 5x। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा यहां से x = मिलेगा 17/5 मिल जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। देखिए किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब x की वह वैल्यू निकालनी है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसी टाइप से देखिए यहां पे मैं करता हूं 4 को, ये जो दिया हुआ है a पे कर लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, x-1 होल स्क्वायर 2x-3 होल पावर 2 है, यहां पे देखिए बीच में इक्वल टू है, यहां पे पावर बराबर है, तो आप क्या करिएगा, बेस इक्वेट कर दीजिए, x-1 बेस है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बेस कितना है, 2x-3 है, बस लाइक टर्म एक साइड कर दीजिए, देखिए कैसे करिएगा, -3 है इधर आ जाएगा +3 और ये -1 और ये 2x है, +x उधर जाएगा तो -x हो जाएगा, और ये देखिए 3 - 1 2 हो जाएगा और 2x-x हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा दैट इज x = 2 मिल जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप विजन पे सप्रोच पे नए व्यूवर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।